नेता सुभाष चंद्र बोस का भाषण लोगों को इतना प्रभावित कर देता था कि लोगों के पास जेवर पैसे जो कुछ भी होता था सब नेताजी को समर्पित कर देते थे। बता दें कि 21 अगस्त 1944 को सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि नेता सुभाष चंद्र बोस के भाषण को सुनकर हीराबाई मेहतानी ने अपने 9 हार निकालकर सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था और उनकी उस वक्त की कीमत थी 1.5 लाख रुपए। इतना ही नहीं, हबीब साहब नाम के एक रईस हुआ करते थे जिन्होंने अपने पास से आजाद हिंद फौज के लिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दी थी। वहीं रंगून के एक व्यापारी ने 42 करोड़ की प्रॉपर्टी सुभाष जी से प्रभावित होकर आजाद हिंद फौज के खजाने में दे दी थी और 2800 सोने के सिक्के भी दान किए थे। नेताजी नहीं चाहते थे कि आजाद हिंद फौज किसी पर निर्भर रहे, इसलिए लगातार वो फौज के लिए चंदा इकट्ठा करने में जुटे हुए थे। ऐसी ही एक मुहिम नेताजी ने चलाई और बात है 1945 नेताजी के जन्मदिन की। इस मौके पर नेता सुभाष चंद्र बोस को एक तराजू में बिठाकर सोने के बराबर तौला गया। इस जन्मदिन के मौके पर 2 करोड़ रुपए और करीब 80 किलो सोना जमा हुआ था। 1945 में जापान के सम्राट ने दूसरे विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया। जिस दिन ये घोषणा हुई उस रोज नेताजी सिंगापुर में थे जो अब ब्रिटिश आर्मी के कब्जे में आने वाला था। वहीं पर उन्होंने फैसला किया कि जो भी फंड फौज के लिए जमा किया गया है उसे शहर से बाहर भिजवा दिया जाए। दिन था 16 अगस्त और वक्त था सुबह के 8 बजे। इसी दिन नेताजी ने एक संदेश देवनाथ को भेजा। उस वक्त देवनाथ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। नेताजी का आदेश पाते ही देवनाथ ने फंड को एक बक्से में भरकर बैंकॉक भिजवा दिया। उसी दोपहर नेताजी भी बैंकॉक पहुंच गए। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज के कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए पैसे बाहर निकाले और उसी शाम को नेताजी ने अपने आवास पर एक मीटिंग बुलाई। इस बैठक के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि जापान का आत्मसमर्पण आजाद हिंद फौज का आत्मसमर्पण नहीं है। आजाद हिंद फौज के फंड का हिसाब। ठीक उसी रात नेताजी ने अपने 2 सहयोगियों के साथ आजाद हिंद फौज के फंड का हिसाब करने बैठे थे। बता दें कि आजादी के बाद बनी एक जांच कमेटी को नेताजी के सहयोगी कुंदन सिंह ने बताया कि खजाने को बांटकर 4 बक्से में भरा गया था। बक्सों का तकरीबन वजन 175 किलो था। इन बक्सों में भरे सामान में सोने के सामान और एक सोने का सिगरेट केस शामिल था। ये वही सिगरेट केस था जिसे हिटलर ने नेताजी को तोहफे में दिया था। 17 अगस्त का वो दिन जब नेताजी खजाने को लेकर बैंकॉक से रवाना हुए। 17 अगस्त 1945 का वो दिन जब नेताजी खजाने को लेकर बैंकॉक से रवाना हुए। उनके साथ हवाई जहाज में 6 और लोग बैठे हुए थे जिनमें ए अय्यर, देवनाथ दास, कर्नल हबीबुर रहमान, कैप्टन गुलजारा सिंह, कर्नल प्रीतम सिंह और मेजर आबिद हसन। 17 अगस्त को नेताजी साइगॉन पहुंचे जहां पर जापान का कब्जा था। जानकारी के मुताबिक नेताजी की मुलाकात जापानी सेना के फील्ड प्रमुख तेराची से हुई थी। कहा जाता है कि नेताजी यहां से ही मंचूरिया जाने वाले थे लेकिन ऐन मौके पर पता चला कि उनके विमान में कोई खराबी हो गई है, विमान उड़ने के लायक नहीं है। उन्होंने जापानी फील्ड प्रमुख से गुहार लगाई। इसके बाद उनके लिए दूसरे विमान में एक सीट का इंतजाम किया गया। उस प्लेन में एकमात्र सीट खाली थी। बावजूद इसके नेताजी ने पायलट से कहकर एक सीट का इंतजाम करवाया। नेताजी ने अपने साथ कर्नल हबीब उर रहमान को जाने के लिए बोला। बता दें कि नेताजी चाहते थे कि उनके साथ एक और व्यक्ति जाए लेकिन पायलट ने नेताजी को साफ कह दिया था कि या तो अपने साथ वो बक्से ले जाएं या फिर अपने साथ एक व्यक्ति को
इतना सुनने के बाद नेताजी ने बक्सों को साथ ले जाने का फैसला लिया। ये पुख्ता सबूत नहीं है कि नेताजी अपने साथ कितने बक्से ले गए थे। आपको बता दें कि ये पक्का नहीं था कि नेताजी अपने साथ कितने बक्से ले गए। नेताजी हवाई जहाज में बैठकर साइगॉन से तारमोसा पहुंचे, जिसे अब सभी ताइवान के नाम से जानते हैं। यहां पर प्लेन को उतारने की वजह टैंक को रिफ्यूल करने के लिए बताया गया। प्लेन को रिफ्यूल करने के बाद जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, वैसे ही क्रैश हो गया। उस वक्त एयर स्ट्रिप पर मेजर साकाई मौजूद थे। उन्होंने घायलों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और सोने को जितना बचा पाए उतना बचाया। जानकारी के मुताबिक मेजर साकाई ने पेट्रोलियम कैन में सोने को जमा किया और उसे सील करके आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचा दिया। यहीं से इन्हें नेताजी की अस्थियों के साथ टोक्यो भेजा गया। दिन था 5 सितंबर 1945 का। इस दिन खजाने को इंडिपेंडेंस लीग टोक्यो एम राम मूर्ति को सौंप दिया गया। कहा जाता है कि आजाद हिंद फौज का खजाना करीब 6 साल तक टोक्यो में रहा। साल 1952 में इस खजाने को भारत लाकर राष्ट्रीय संग्रहालय में रख दिया गया। वहीं भारत में जो सोना पहुंचा था उसका वजन 11 किलो बताया गया। सुभाष चंद्र बोस 75 से 90 किलो भार का सोना लेकर चले थे। बोस के सहयोगी कुंदन सिंह के मुताबिक बोस बैंकॉक से 75 से 90 किलो भार का सोना लेकर विमान में साथ चले थे। अब सवाल ये उठता है कि बाकी का खजाना कहाँ गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने सारे जरूरी दस्तावेज खत्म कर दिए थे। यही वजह रही कि किसी को पता नहीं चल पाया कि नेताजी अपने साथ कितना सोना लेकर चले थे। 1947 में संपर्क मिशन नाम की एक कमेटी टोक्यो गई। इस कमेटी के एक सदस्य वेनेगल रामा राव ने तब विदेश मंत्रालय को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने आजाद हिंद फौज के खजाने की बात का जिक्र किया। खत में एम राम मूर्ति के ऊपर खजाने को गबन करने का आरोप लगा। यही वजह थी कि ये भारतीय और जापानी टोक्यो के बीच बड़ा मुद्दा बना था और वहां पर लगातार शिकायत दर्ज कराई जा रही थी। युद्ध में पूरी तरह से बर्बाद जापान में राममूर्ति दो सिडान कैसे चला रहे थे, यही सबके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल था। मई 1951 में एक और मिशन जापान भेजा गया। इस मिशन के वापस आने के बाद एक बार फिर से 1951 में भारत का एक और मिशन जापान भेजा गया। इसको लीड कर रहे थे के चैतुर। चैतुर ने खजाने से जुड़े एक शख्स पर सवालिया निशान उठाए। इनका नाम एसे अय्यर था। अय्यर ने बताया कि वो भारत सरकार की तरफ से मिशन पर टोक्यो आए हुए हैं। इसके साथ ही उन्हें दो चीजें जाननी थी। पहली वो कि टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी हुई अस्थियां नेताजी की हैं या नहीं, और दूसरी ये कि प्लेन से जो सोना बचा कर रखा गया था उसे भारत वापस लाना था। इसके बाद चैतुर की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में लिखा गया कि भारतीय अय्यर के वापस लौटने से नाखुश हैं और मूर्ति भाइयों से इनका संबंध उनको शक के घेरे में खड़ा करता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी जिक्र किया कि स्थानीय लोगों का कहना है कि राममूर्ति और अय्यर का खजाने के गायब होने से कोई ना कोई लेना देना जरूर था। चैतुर का मानना था कि अय्यर ने टोक्यो जाकर खजाने का बंदरबांट किया था। साल 1953 में एक और नोट जारी हुआ। 1953 में विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे आरडी साठे ने भी एक सरकार के साथ खजाने से जुड़ा एक सीक्रेट नोट साझा किया था। साठे ने भी अय्यर और राममूर्ति की गतिविधियों को शक के दायरे में खड़ा किया था। साठे ने अपने रिपोर्ट में जिक्र किया कि खजाने का एक बड़ा हिस्सा अभी भी साइगॉन में ही है। साठे ने एक और चीज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राममूर्ति की एक ब्रिटिश अधिकारी कर्नल फिंगेस के साथ काफी नजदीकियां बढ़ी थी, जो कि आजाद हिंद फौज का कट्टर दुश्मन था।
लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद एम राममूर्ति को यूके में सेटल होने का न्योता दे रहा था। 1953 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से जांच की मांग की। ये तमाम राग जो खजाने से जुड़े हुए थे जब सामने आए, तो साल 1953 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से इस मामले की जांच की मांग की। उसी का जवाब देते हुए अक्टूबर 1953 में प्रधानमंत्री नेहरू ने एक खत लिखा। खत में प्रधानमंत्री ने इंडिया इंडिपेंडेंट लीग से जुड़े धन का पूरा ब्यौरा दिया, लेकिन आगे की जांच से इनकार कर दिया। जो भी पैसा खजाने से बरामद किया गया था, उसे स्थानीय छात्रों की पढ़ाई में खर्च किया जा रहा था। इसके बाद बात ये भी सामने आई कि पाकिस्तान ने भी एक चौथाई हिस्से पर अपना हक जताया था और पाकिस्तान को दे भी दिया गया। नेताजी के साथ विमान दुर्घटना में खत्म हुए खजाने का कोई भी जिक्र इस खत में नहीं किया गया। अंत में 1956 में सरकार ने दबाव में आकर एक जांच कमेटी का गठन किया, लेकिन इस कमेटी के बनने के बाद आजाद हिंद फौज के खजाने को लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पाया। 1971 में जस्टिस जीडी खोसला को जांच कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद जापान में रहने वाले दो भारतीय जांच कमेटी के सामने पेश किए गए। पूछताछ में इन दोनों ने भी दावा किया कि खजाने में फेरबदल किया गया है। वहीं एक पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट पर दावा किया कि अय्यर ने 1945 में जापान में आकर राममूर्ति को सोने से भरे दो सूटकेस दिए थे। इसके बाद खोसला कमीशन ने ये मान लिया कि खजाने का गबन किया गया है, लेकिन सबूत ना मिलने की वजह से जांच अधूरी रह गई।